नमस्कार। मैं आज इस YouTube चैनल पर एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये हिंदी में है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। उससे पहले एक महात्मा गांधी का विचार लेते हैं। वो कहते हैं, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, ए यू एजुकेट ए वुमेन, यू एजुकेट ए जेनरेशन। इसका अर्थ यह है कि एक पुरुष को शिक्षित कर आप केवल एक को ही शिक्षित करते हैं, एक महिला को शिक्षित कर आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अपना स्टोरी, एक जो कहानी लिखे हैं, आपको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक संत आए। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग उनसे मिलने गए। संत ने कहा, मैं यह गांव में रात में रुकूंगा। गांव वालों ने बोला, अच्छी बात है, हम लोग घर जाकर अभी खाना का बंदोबस्त करता हूँ। संत बोला, खाना तो मैं जरूर खाऊंगा, पर एक शर्त है। गांव वाला पूछा, क्या शर्त है? संत ने कहा, शर्त यह है कि मैं उसी के यहाँ खाना खाऊंगा जो कम से कम 100 तीर्थ कर चुका हो। ऐसा सुनते ही गांव वाला अचंभित हुआ और दौड़ा दौड़ा सरपंच के पास गया। सारी बात सुनने के बाद सरपंच गांव वालों को, कुछ लोगों को बोला, जाओ और गांव में जाकर पता करो कौन कौन 100 तीर्थ कर चुका है। गांव के पूरा परिवार से मिलने के बाद सरपंच को सूचना मिली, गांव का कोई आदमी 100 तीर्थ नहीं किया है। यह सुनते ही सरपंच ने आदेश दिया, आसपास के गांव में पता करो 100 तीर्थ किसने किया है। आसपास के गांव में जाने के बाद सरपंच को सूचना मिली, कोई आदमी 100 तीर्थ नहीं किया है। यह सुनते ही सरपंच फिर आदेश दिया और आगे जाकर पता करो, और हाँ, जब तक यह संत भोजन ना कर ले तब तक गांव में कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि संत नहीं खाएगा तो हम लोगों को पाप लगेगा। तब तक शाम ढल गया, रात हो चुकी थी, सुबह हो गई। गांव वाला अपने लिए भी खाना का प्रबंध नहीं कर रहा था। पूरा गांव, पूरा दिन बीत गया। ऐसा होते अब तीसरा दिन हुआ। अभी तक खाना नहीं बना। तीसरा दिन सुबह गांव की एक नई नवेली दुल्हन अपने परिवार से पूछा, हम लोग खाना कब खाएंगे? क्योंकि वह उसी शाम आई थी जिस दिन संत आया था। वह सोच रही थी, हो सकता है इस गांव का रस्म हो।
तब परिवार वालों ने बताया कि गांव में एक संत आए हैं और उनका कहना है हम भोजन उसी से करेंगे जो 100 तीर्थ कर चुका है। नई नवेली दुल्हन कही मैं खाना खिलाऊंगी, आप लोग खाना का प्रबंध करें। डूबते को तिनके का सहारा, परिवार वाला बात मान लिया। अब नई नवेली दुल्हन खाना लेकर संत के पास पहुंची और बोली महात्मा जी खाना खा लीजिए। संत ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि, इसी बीच महिला बोली महात्मा जी संत लोग ही तो कहते हैं किसी संत के दर्शन के लिए बढ़ाए गए कदम 1000 तीर्थ के समान होते हैं। संत मुस्कुराया और बोला बेटी मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब मैं खाना खा लूंगा। कहानी से सीख यह मिल रही है कि किसी भी समस्या को बढ़ने मत दें, समस्या आते ही परिवार के सदस्यों को बतावें। दूसरी सीख यह है पुरुष एक जगह रहकर एक समस्या का एक ही हल ढूंढता है, लेकिन महिलाएं दो गांवों से आकर दोनों गांवों का समस्या दो तरीकों से हल करती है। तीसरा सीख यह है यह सिर्फ महिला ही कर सकती है क्योंकि उसमें हमेशा वेदना, संवेदना, सहन शक्ति रिश्तों नातों संस्कृति और परंपरा का प्रवाह चिंता ना कर चिंतन से समस्या का हल ढूंढती है। अगला सीख यह है थोड़ा आपको आश्चर्य जरूर होगा लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप अमल कीजिएगा, मेरा कहना सत्य ही होगा। सबसे बड़ी बात 5 महिलाएं आपस में बैठकर बातें ही नहीं बहस भी करती है। 5 महिलाएं आपस में बैठकर बातें ही नहीं बहस भी करती है और अपनी समस्या का हल भी करती है, जैसे सरकार संसद में, क्योंकि महिलाएं और सरकार दोनों स्त्रीलिंग है, मैं इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला मुझे बताओ। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।